तो आज हम करने वाले दरवाजे में निकलते हैं अभी तो मीटर का ये हम करने वाले हैं स्कॉर्पियन की माइलेज का एक छोटा सा डेमो, जस्ट मैं आज ऑफिस जा रहा हूँ अपने, तो जस्ट देखते हैं कि इसमें कितना लगता है अपना पेट्रोल और कैसी एवरेज आज निकालती है। ये लंबे रूट पे जानी है नाना करते हैं, मेरे ऑफिस की डेस्टिनेशन मेरे घर से 45 किलोमीटर की पड़ती है। तो अभी हम निकल चुके हैं ऑफिस के लिए, अभी इसकी कुछ 168 की रेंज आ रही है और इसमें हद से मेरे हिसाब से 1600 से ऊपर का पेट्रोल नहीं होगा रिजर्व का मिला के। तो देखते हैं आज कितनी की एवरेज देती है, अभी तो 8.6 की शो कर रही है किलोमीटर पर लीटर। चलो देखते हैं क्या रहता है आगे का। अभी चलो जल्दबाजी में निकलते हैं मैंने इसकी ट्रिप अभी जीरो नहीं करी, जस्ट मैंने अभी इसको जीरो करा, तो देखते हैं अब इसकी एवरेज फ्रेश क्या देती है। ये अभी कुल लगभग मैं 6 किलोमीटर दूर आ गया हूँ अपने घर से, तो देखते हैं कितनी एवरेज देती है स्कॉर्पियो आज के दिन। तो अभी तो मीटर का ये कुछ हाल आ रहा है, बाकी पूरा पहुँच के भी एक बार दिखाएंगे क्या चल रहा है। बाकी गाड़ी की रोड प्रेजेंस में तो यार जबरदस्त है, मतलब मजा आता है चलाने में। अभी तो इसको नई नई आई है तो काफी अटेंशन में मिल रहे हैं, काफी लोग देख रहे हैं इसको। जब मैं अभी अपने ऑफिस पहुंचा था, ये मेरी ऑफिस की पार्किंग है, अभी कुछ मीटर का ये हाल है इसके। एक बार बैक करके दिखा दूं फ्यूल इन्फो। ओहो अभी आ रही है इसकी ये, देखते हैं वापस जाते हुए कितनी आती है। अब जाते हैं ऑफिस, करते हैं काम, फिर मिलते हैं। पूरे दिन भर काम करके अब घर के लिए निकल रहे हैं, अब जाके देखते हैं गाड़ी क्या। फाइनली ऑफिस के बाहर आ गए हम, ये खड़ी है अपनी चमक चलो पार्किंग के अंदर। अब चलते हैं इसको लेके घर पे, बहुत ही थकान वाला दिन था आज यार। हेलो बेबी, गाड़ी स्टार्ट करने से पहले हमेशा एसी बंद रखिए करे यार, मेरे को ये बहुत बार मेरा भाई टोक चुका है लेकिन आदत हो गई है ना। ट्रिप जीरो हो गई है इसकी, अब निकलते हैं यहाँ से घर के लिए अपने। अभी मैं हूँ नोएडा में, मुझे जाना है रोहिणी, ऑलमोस्ट 45 किलोमीटर के आसपास की ड्राइव है मेरी रात की। पार्किंग से तो बाहर आ गए, अब बिल्डिंग से बाहर चलना है। बाहर जाके फिर कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा आगे निकल के, यहाँ तो सब बोरिंग बोरिंग सही है। अभी मैंने इस पे घर के लिए नेविगेशन डाली है अपनी, इसका पता नहीं नेविगेटर जो है वो अपने आप ही लैग करने लग गया, कुछ लोकेशन दिखाई नहीं रहा। क्या फायदा मिल रहा आगे कितनी देती है। अच्छा खासा रास्ता पार कर दिया, गाड़ी की एवरेज कुछ ये दिखा रहा है मीटर। अभी रास्ता बहुत बाकी है, कोई नहीं। नाइट लाइट बहुत बढ़िया है यार इसकी, हाई बीम में दिखाता हूँ आपको, ये लो है, ये हाई पे अच्छी खासा आउटपुट दे रही है। तो अभी मैं घर के पास बहुत पहुंच चुका हूँ, मुश्किल से 3 से 4 किलोमीटर का रास्ता रह गया। ये कुछ गाड़ी ने आ रही है,
14.2 दिखा रहा है, आज तक आई के 16 दिखा रहा था, दिन लगा के देखना पड़ेगा मुझे खुद ही आती है। सही है यार, मतलब पेट्रोल के हिसाब से इतने हैवी गाड़ी का तो 14 तो बहुत ज़्यादा ही है मेरे हिसाब से यार। मेरी लास्ट कार नेक्सॉन थी, वो भी पेट्रोल ही थी मेरे पास, उसमें तो मैंने आज तक 14 का भी देखा ही नहीं, 3 सिलेंडर होने के बावजूद भी इतना तेल पीती थी। तो सही थी यार, रोड प्रेजेंस तो बहुत ही कमाल किया, गाड़ी के चलाने में भी काफ़ी मज़ा आया, लॉन्ग रूट से मैं थका भी नहीं हूँ, बात है जैसे दोनों टाइम ही, अभी ऑफिस में भी काम करके आया हूँ, तो सही था यार। रोड प्लेजर तो है गाड़ी के ऊपर यार, ज़्यादा एफर्ट नहीं चलाने के लिए। बाकी तो आप लोग बताइए, अगर मेरे से कोई गलती हुई हो या मैंने कुछ गलत बोला हो तो प्लीज़ कमेंट्स में जाके मुझे करेक्ट कीजिएगा, मुझे सही में अच्छा लगता है कोई उनको करेक्ट करता है, तो कोई परफेक्ट इन्फॉर्मेशन मेरे को बताता है तो। और बाकी इंसान है यार, गलतियाँ वलतियाँ सबको होती रहती है, सबको पूरी नॉलेज किसी भी चीज़ की नहीं होती, तो उसमें कोई वो वाली बात नहीं है, सीखने से ही बंदा आगे बढ़ता है। तो चलो यार, आज का ब्लॉग ख़त्म करते हैं, आज के लिए इतना ही था। बेसिकली मेरे को एक एवरेज वीडियो शूट करनी थी गाड़ी के लिए, क्योंकि काफ़ी कमेंट्स भी आए थे लोगों के कि पेट्रोल है आपकी तो इसकी एवरेज टेस्ट दिखाओ यार, इसकी माइलेज दिखाओ, थोड़ा ड्राइव व्लॉग बनाओ इसका। तो आज मैंने ट्राई करा ऑफिस जाते हुए बनाते हुए, अब बाकी घर जाके मुझे और भी काम करने हैं अपने, अभी भी ऑफिस ख़त्म नहीं हुआ है, घर जाके लॉगिन करना है मैंने। चलो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, थैंक यू गाइज़।